दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के एक ऐसे इतिहास के पन्नों पर जो कि ताल्लुकात रखता है मुगल वंश के शासकों से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुगल शासक काल में बना एक खूबसूरत मकबरा जिसका नाम है हुमायूं का मकबरा। तो हम चलते हैं, आज दिखाते हैं आपको हुमायूं के मकबरा में क्या क्या देखने लायक है। जब दिल्ली के तट पर हुमायूं का शासन था तब हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के कहने पर पारसी आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा गियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद द्वारा इस मकबरे का डिजाइन किया गया था। यह खूबसूरत मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित है जो हजरत निजामुद्दीन मार्ग पर पड़ता है। यहाँ आपको शनिवार और रविवार को सबसे अधिक भीड़ देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर जो आप टिकट की लंबी लंबी लाइन और कतारों से बचना चाहते हैं तो आप अपना टिकट ऑनलाइन पर भी बुक करा सकते हैं, जो कि आपको इजीली yatra.com पर भी मिल जाएगी, जहां पर आपको 35 रुपए तक प्रति व्यक्ति पे करना होगा। वहीं जब आप मकबरे के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको ईसा खान का मकबरा मिलेगा, जिसको देखकर आपके जहन में ये सवाल तो जरूर आएगा, आखिर ये ईसा खान है कौन। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये ईसा खान है कौन। ईसा खान एक मुस्लिम राजपूत थे जिन्होंने भाटी क्षेत्र के जमींदार में 12 जमींदार और 16वीं शताब्दी के बंगाल का नेतृत्व भी किया था। वहीं अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने अपने मुगल साम्राज्य के आक्रमण का भी विरोध किया था और साल 1599 ईस्वी में उनकी मौत हो गई। वहीं एक खूबसूरत से दरवाजे से होकर आप हुमायूं के मकबरे में प्रवेश करेंगे। वहां का नजारा देखकर आपकी आंखें जगमगाउंद हो जाएंगी। यहां आपको हजारों की तादाद में देशी और विदेशी पर्यटक देखने को मिलेंगे। वहीं मकबरे के चारों तरफ लगे हुए पेड़ पौधे मकबरे की खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए भी नजर आ जाएंगे। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की शोधग्रस्त विधवा हमीदा बानो बेगम के द्वारा किया गया था, जिसका कार्य 1556 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और वहीं पूरे 9 साल बाद 1565 ईस्वी में इसको बनाकर तैयार किया गया था। इस मकबरे को खास तौर से बनाने के लिए विदेशों से कारीगर बुलवाए गए थे, जिसमें अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कई बड़े देश भी शामिल थे। वहीं इस मकबरे में एक कुशल कारीगरी आपको देखने को मिल जाएगी और जगह जगह नक्काशी भी की गई है। मुगल काल में बनाए गए सभी मकबरों में आपको इसी तरह की नक्काशी और कारीगरी देखने को मिल सकती है। आप जब भी इस मकबरे का दीदार करने आएंगे तो यहाँ की गई नक्काशी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। बस यही कारण है जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे खूबसूरत मकबरे में इसका दीदार किया जाता है। तभी तो आगरा का ताजमहल भी इसी तर्ज पर बनाया गया था। यह मकबरा 120 मीटर के चबूतरे पर बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है। इस मकबरे में मुगल परिवार की 100 से भी अधिक कब्रें मौजूद हैं, जिसके कारण इसका नाम मुगलोक शयनागर पड़ा। वहीं इसके सफेद संगमरमर के बने हुए गुंबद के ऊपर की स्तूपिका भी 3 मीटर ऊंची है। फ्रेंड्स, यदि बात करें हुमायूं की तो हुमायूं ने 1530 ईस्वी में सिंहासन संभाला और इसके साथ अपनी पहली चुनौती अपने पिता बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखने का विस्तार करना था, लेकिन 10 वर्ष की अवधि पूरी होते ही शेर शाह सूरी ने उसे पराजित कर देश से बाहर निकाल दिया और उन्हें अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इधर उधर भाग कर बिताना पड़ा। साल 1500 ईस्वी में राजगद्दी पर हुमायूं फिर से लौटे, लेकिन सिंहासन का यह सुख ज्यादा दिन तक नहीं भोग पाए। साल 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनका देहांत हो गया, लेकिन मुगद्दर तो देखिए, जिस बादशाह को जीते जी दर बदर ठोकर खाते हुए जीना पड़ा, वहीं आज जो मकबरा बनाया गया है वो किसी मुगल बादशाह के द्वारा बनाए गए सबसे खूबसूरत और आलिशान मकबरों में से एक है, जिसमें बादशाह हुमायूं की कब्र छिपी हुई है। ऑन द वे से मिलने वाली सारी की सारी वीडियोस आपको कैसी लगती है ये हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियोस आप तक जरूर पहुंच पाए। दोस्तों, पिछले 6 घंटे से मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा था और ये इस वीडियो बनाने के दौरान मुझे इस मकबरे का डिज़ाइन इतना अच्छा लगा कि अब मैं चलता हूँ अब मकबरे का खूबसूरती को देखने, और आप देखिए हमारा वीडियो। और दोस्तों, देखने के बाद हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं चलता हूँ, बाय।